करती हूँ, आप लोग सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मजे में हूँ। वेलकम करती हूँ नए ब्लॉग में। मेरा नाम है निम्रा और आप देख रहे हैं निम्रा वाइन ब्लॉग्स। कैसे हैं, ठीक ठाक हैं आप लोग? से और टाइटल से आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये आज की वीडियो क्या है, लेकिन आप लोगों ने एंड तक देखना है, वीडियो स्किप नहीं करनी। मैंने आज आपको बतानी है बहुत जबरदस्त चीजें और दिखानी है बहुत ही जबरदस्त सी एक रिव्यू। रिव्यू क्या है ये भी आपको पता चल गया है थंबनेल से। तो मैं रिव्यू जो कर रही हूँ वो कर रही हूँ सुनीसा सीसी क्रीम का। तो लेट्स सी, देखते हैं कि ये मेरी स्किन पे सूट करती है या नहीं करती। वैसे ये मैंने मंगवाई है चाइना से और इस क्रीम का दावा है कि ये जो है जितने गड्ढे वड्ढे हैं सारे ख़त्म कर देती है, बिल्कुल कवर कर लेती है। तो लेट्स सी, देखते हैं। मुझे वैसे भी सीसी क्रीम सूट नहीं करती, तो लेट्स सी, देखते हैं कि ये मुझे सूट करती है कि नहीं करती। क्या रिव्यूज़ होते हैं ये आपको एंड में पता चलेगा। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। जिसने भी अभी तक मेरा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर फॉलो करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना है, ताकि उससे आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। तो लेट्स सी, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि कैसी पैकेजिंग है, क्या है, मेरे फेस पर सूट करती है नहीं करती, और ग्रे तो नहीं करती स्किन को। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैंने खोलती हूँ इसको और इसमें लिखा है कि जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसको भी हमने पानी में भिगो के रखना है। तो खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है, कैसा रिव्यू रहता है मेरा, ये मैं आपको बताऊंगी। बारकोड स्कैन भी है, आप लोग स्कैन भी कर सकते हो। इसके अंदर से पहले तो देख लेते हैं कि निकलता क्या क्या है चीज़ें, फिर उसके बाद जो है वीडियो को करती हूँ मैं स्टार्ट। अच्छा जी, पैकेजिंग तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने उल्टा खोल दिए, सीधा खोल दिया, यहाँ से खोल दिए, यहाँ से जो है ना इसको हम खोलते हैं यहाँ से, ठीक है। अच्छा जी, एक आपको मिल जाएगी ये सुनीसा की फाउंडेशन, ठीक है, और एक मिल जाएगा ये ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंड पहले मैं सुनीसा फाउंडेशन आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये कैसी है। ये ऐसी पैकेजिंग की है, पैकेजिंग कुछ इसकी इस तरह की है, ठीक है, और ये देख लो सही। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊं तुम लोगों को कि इसको खोलने का क्या तरीका है। सबसे पहले तो देखो, ये आप लोगों के पास है, आप लोगों के पास यहाँ पे थंब बना हुआ है, इसके ऊपर जो है ना थंब बना हुआ है। तो थंब को प्रेस करके फिर निकालना है, ऐसे फिंगर से नहीं निकालना है। पहले तो मैं इसको खोल लेती हूँ, इसमें निकलता क्या क्या है, ठीक है। इसके अंदर एक ये कवर है इसका, इसको हमने रिमूव करना है, ठीक है। और ये देखो, ये फाउंडेशन है, नीचे जो है ना क्रीम है सारी। खोल के मैं दिखाती हूँ, फिर इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो है ना, अच्छा हमने क्या करना है, यूं यूं प्रेस नहीं करना। हमने किस तरह प्रेस नहीं करना, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। हमने इसके ऊपर यूं करके प्रेस नहीं करना, बहुत अनहाइजीन लगता है। ये आपके आपको थंब दिया हुआ है यहाँ पे, थंब से जो है आप लोगों ने प्रेस करना है ऐसे करके, ऐसे। बात करी जाए अगर इसके ब्यूटी ब्लेंडर की, तो ब्यूटी ब्लेंडर जो है बड़ी अच्छी पैकेजिंग में आया हुआ है, कवर हुआ हुआ है। तो ये देखो, क्यूट सा। अब जो है इसको हमने भिगोना है, लेट्स सी, देखते हैं इसका साइज इंक्रीज होता है या नहीं होता। जो भी है मैं डिप करती हूँ। अच्छा, एक बात, जो वेट हो गए ब्लेंडर से, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अच्छी तरीके से इसको निचोड़ूंगी।
सबसे पहले आप फेस पर लगाने से पहले हैंड पे ट्राई कर लेते हो कि हैंड पे क्या रिजल्ट है। ये लिटरली हो गया, ऐसा आगे लग ही नहीं रहा कुछ लगाया है। अगर मेरा यहाँ से हाथ नजर आ रहा होगा आप लोगों को और ये अंगूठा नजर आ रहा होगा तो पता चला होगा ये कुछ लगाया है, लेकिन बिल्कुल लाइट वेट है। अच्छा, इस फाउंडेशन का एक और बात भी है कि भाई ये वाटरप्रूफ है, ठीक है। नताशा क्लास में बोला था और मैंने नताशा क्लास को देखते ही मंगाई है सीसा फाउंडेशन, तो इसी क्रीम तो मुझे रिजल्ट बड़ा अच्छा लगा लिटरली। और कैसे लगा मैं वैसे लग ही नहीं कुछ नहीं लगाया हुआ है। अब मैं इसमें ना पानी डिप करती हूँ, मैं देखती हूँ बहुत ज्यादा डिप करती हूँ, देखती हूँ क्या ये सीसा फाउंडेशन कह रहे हो सीसी क्रीम कह रहे हो कि ये वाटर प्रूफ है या नहीं। ये वाटर प्रूफ है, ठीक है। हटा भी रही हूँ लेकिन कुछ नहीं हटा, इसमें और इसमें फर्क है ना। देखो मैंने मुझे भी नहीं लगाया, साफ पता चल रहा है बहुत लाइट वेट है और बहुत ही अच्छी है। तो अब बारी है किसकी, फेस की। फेस पे बहुत सारी चीजें जो है सूट नहीं करती कभी कभी। जरूरी नहीं है कि हम हाथों पे जो लगाएं वही हमारी स्किन को सूट करें। हमारी स्किन और हमारे हाथों की स्किन, हमारे फेस की स्किन में बहुत फर्क है। डिफरेंट स्किन है हमारी, फेस की अलग है, ठीक है, हाथों की अलग है, पैरों की अलग होगी, माथे की अलग है, नोज की अलग है, सब की अलग है, तो डिफरेंट है, ठीक है। ये नहीं समझना अगर आपके हाथों पे कोई चीज मैच कर रही है तो आपकी स्किन कंप्लीटली मैच करेगी फेस की, ठीक है। तो चलो फेस पे लगाते हैं और देखते हैं कि मेरी ये जो ये सीसी क्रीम है क्या ये ब्लैक नहीं करती, लड़की इसमें इस्तेमाल होता है या नहीं होता। लेट्स सी, मैं आधे फेस पे लगाती हूँ, सही है, या लगा लूँ पूरे फेस पे। यार ये धावा तो कर रही है के ग्लास स्किन टोन, लेकिन ये ना डार्क स्किन टोन के हिसाब से नहीं है। जिनकी थोड़ी सी वाइट स्किन है ना, अब मैं थोड़ा सा ना थोड़े से मेरा डार्क कलर है तो मुझे ना, चलो मैं पूरे पे लगा के देखती हूँ, क्या पता मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि ये ग्रे करेगी स्किन मेरी। और जो मेरे जैसी स्किन टोन वाली है ना वो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना, या क्या पता सिर्फ ये लगाई भी है तो ऐसा लग रहा है। देखो मैं करीब से भी ला के दिखाती हूँ, मुझे नहीं अच्छी लग रही, बहुत पैची पैची लुक लग रही है। रुको ब्लेंड करती हूँ, मैंने जो कहा था कि बीबी क्रीम मुझ पे सूट नहीं करती, तो रिव्यू मैंने देना था, रिव्यू ये देना था कि भाई जो डार्क स्किन टोन वाला है ना वो ना लगाएं। इसको हम ब्लेंड भी करके, जबकि मेरा गला ज्यादा अच्छा लग रहा है इससे, नहीं यार ग्रे लग रहा है फेस, जबकि हाथ ग्रे नहीं लग रहा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला था कि देखो मुझे ग्रे ग्रे लग रहा है जबकि हाथ नहीं लग रहा था, ऐसे ही है ना। देखो मैंने नेक पे नहीं लगाई, बहुत ही भूत लगती हूँ, खैर इसको रिमूव करती हूँ। मुझे तो अच्छा नो डाउट कह लो कि मतलब लाइट वेट है लाइट वेट थोड़ा सा ना, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे जैसे स्किन टोन है ना वो ना लगाएं। इसीलिए आके चेक करती हूँ कि क्या पता कि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। वैसे उतर नहीं रही है, मतलब कह लें कि नहीं उतर रही है, लेकिन वही बात है हाथ की स्किन और फेस की स्किन में बहुत फर्क होता है। थोड़ी सी लिपस्टिक शिपस्टिक लगाते हैं, थोड़ा सा ब्लशन शशन लगाते हैं तो हो सकता है थोड़ा सेट लगे और भूतनी ना लगूं मैं। लेट्स सी, मुझे थोड़ा सा लाइनर लिपस्टिक लगा के देखूं क्या पता। लिटरली पता मुझे करीब से ना बिल्कुल भी स्किन अपनी अच्छी नहीं लग रही, ग्रे लग रहा है पूरा।
नो वर्ड्स, आई हैव लिटरली नो वर्ड्स, क्योंकि मुझे वाकई फाउंडेशन ये नहीं समझ आई. फाउंडेशन नहीं है, सॉरी सीसी क्रीम है. मैं ये रिव्यू करूँगी कि भाई जो डार्क स्किन टोन वाले हैं, डार्क मीडियम स्किन टोन वाले हैं, वो ये अप्लाई ना करें. सुनीसा सीसी क्रीम ये उनकी स्किन टोन के लिए बेस्ट है जो बिल्कुल वाइट होते हैं, और चाइनीज़ ने अपने लिए बिल्कुल सही बनाई है, लेकिन ये हमारे लिए बिल्कुल, हाथ का रिज़ल्ट और फेस का रिज़ल्ट बहुत डिफरेंट है. लेकिन कैमरे में सामने कुछ लग रहा है, मुझे कुछ लग रहा है कैमरे में, मैं फ्रंट से करीब से भी दिखाती हूँ, तो मुझे ना ये देखो ये मतलब ग्रे लग रही है. यहाँ तो मैंने लगाई भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी लगाई है. ये देखो ये मेरे पैचेस हैं, तो ये मेरे लग रहा है मुझे पैचेस ना, ये देखो डार्क सर्कल्स भी पता चल रहे हैं. फिर रिव्यू ये देना चाहूँगी कि ये पाकिस्तानी स्किन टोन के लिए नहीं है, और पाकिस्तानी वो लड़कियाँ जो गोरी चिट्टी हैं, प्यारी सुरह हैं, और गंदमी रंग जिनका नहीं है, जो थोड़ी सी डार्क नहीं है, वो इस्तेमाल कर सकती हैं. अदरवाइज ये नहीं लगाना, बिल्कुल बिल्कुल भूत लगोगे, जैसे मैं अभी लग रही हूँ फिलहाल. और बस रिव्यू देना था आप लोगों को सुनीसा सीसी क्रीम का, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँ कि सुनीसा जो क्रीम है वो सीसी क्रीम कैसी है, पाकिस्तानी स्किन के लिए सही है नहीं है. लेकिन पाकिस्तानी स्किन उनके लिए सही है जो ज़रा थोड़ी सी बिल्कुल वाइट वाइट हैं या गोरजटी हैं, ये उनके लिए है. अदरवाइज आप लोग बिल्कुल भी मत इस्तेमाल करना सुनीसा फाउंडेशन, सुनीसा क्रीम सीसी क्रीम जो डार्क है लड़कियाँ, ठीक है. तो ये था मेरा आज की वीडियो का रिव्यू, और आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. मुझे आप लोगों के साथ वीडियोस बनाने में बहुत अच्छा लगता है, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने अच्छे लगते हैं. आप लोगों के साथ अपना जो एक्सपेरिमेंट है, जो रिव्यू है, वो शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई होप सो आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा. मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालती हूँ, आप लोगों के साथ आती हूँ, बातें करती हूँ ढेर सारी. तो इस वीडियो को तो मैं यहीं पर करती हूँ मैं एंड. सुनीसा सीसी क्रीम का हो गया है टाइम टाइम फिश. खैर नताशा का इस पर भी मुझे लगा कि अच्छी लग रही है, लेकिन खैर क्या कह सकते हैं, मरियम ने भी की थी तो उन्हीं को देखते देखते मैंने जो है ना, मैंने कहा चलो मैं भी मंगवाऊँ, लेकिन मेरी स्किन टोन जो है वो उसके हिसाब से नहीं थी सुनीसा सीसी क्रीम की के लिए. खैर इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ. आई होप सो आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो लाइक शेयर फॉलो करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना है, और अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को ढेर सारा करो सब्सक्राइब, लाइक करो, शेयर करो एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करो. तुम लोग के सामने बहुत हाजिर है. मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही अपनी स्किन टोन, बहुत ही ग्रे 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 लग रहा है मुझे, लिटरली अच्छा नहीं लग रहा. जो फाउंडेशन का बेस्ट कलर है, देखो हाथ भी बहुत अच्छा लग रहा है, देखो दोनों हाथों का फर्क, देखो दोनों हाथों का फर्क और दोनों और स्किन का, दो स्किन कह रही हूँ, दोनों हाथों का फर्क देखो और मेरी स्किन का फर्क देखो. इस पे मैंने नहीं लगाया, सही है ये किताब, मतलब सही लग रहा है, लेकिन इस पे लगाया ये अच्छा लग रहा है, लेकिन ना मेरी स्किन, असल में मेरे हाथ है ना थोड़े से, वही बात है ना, गोरे हैं थोड़े से, तो मेरे हाथों पर अच्छा लगा लेकिन मेरे चेहरे पे ना अच्छा नहीं लगा. खैर इस वीडियो में यहीं पे करती हूँ एंड. आई होप सो आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा तो लाइक शेयर फॉलो करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना है. मिलती हूँ अगले ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई रेसिपीज के साथ, कुछ नए टिप्स के साथ. मुझको दें इजाजत, अब तक के बहुत सारा ख्याल दो, याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.